फाहिर डू एंड डाई मैच में श्रीलंका ने सनसनी खेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका की टीम ने 253 रन का हदफ मैच के आखिरी गेंद पर हासिल किया। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को प्रोविजन भेजा। शादाब और जमान ने 1-1 विकेट हासिल की, 1 खिलाड़ी रन आउट हुआ। पाकिस्तान को शिकस्त देकर श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल का टिकट कटा लिया। टीम इतवार को कोलंबो में इवेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। कोलंबो में खेले गए अहम मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। पाकिस्तान का आगाज अच्छा ना रहा। ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर्स को लंकन बोलर्स को खेलने में मुश्किलात रही और डगमगाती बैटिंग को रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने सहारा दिया और स्कोर को 252 तक पहुंचा दिया। टॉस बारिश के बायस ताखीर का शिकार हुआ तो अंपायर्स ने मुकाबला 45-45 ओवर्स तक महदूद कर दिया। दौरान मैच फिर बाजों ने एंट्री ली और मैच को मजीद कम करके 42 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद कर दिया। निगरान वज़ीरे आज़म अनवारुल हक काफिर ने कहा है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे, फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। अनवारुल हक काफिर ने एक इंटरव्यू में मजीद कहा कि इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत पर जानबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर ने खत में तजवीज़ दी है, कोई फैसला नहीं दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है, वो ही जवाब दे सकते हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग से निजात दिलाने आ रहे हैं। अवाम चालबाजों, झूठों और तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं। मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल का फैसला हो गया और अहदेदारों को ज्यादा से ज्यादा अफराद लाने की हिदायत दी गई। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी ने फिर शिकवा दोहरा दिया। लाहौर में पीपी के सीईसी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में शाजी मीडिया ने कहा कि पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। नून लीग बेशक इल्ज़ाम तराशी करती रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जमहूरियत के लिए नून लीग से डील करनी है। आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं। फैसल करीम के भी बोले कि पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पर तहफ़ुज़ात हैं, सिंध के फंड रोके जा रहे हैं। लतीफ़ खोजा का शुक्र नोटिस दे दिया है और 7 दिन में जवाब देना है। तारीख कोई भी दे, इलेक्शन जल्द होना चाहिए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की जहानत की दरखास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत की जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुबैन ने महफूज फैसला सुना दिया है। जमानत बाद अस गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज की गई और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रहना पड़ेगा। सदुमर की जमानत मंजूर कर ली गई है। जज अबुल हसनात जुल्कुबैन ने दरख्वास्त रद्द कर दी है। रिमांड लिए कि जिसका जो हक है उसे दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एफआईए ने असद उमर का केस में ताल्लुक साबित कर दिया है। झूठे मुकदमात का डटकर मुकाबला करूंगा, पीटीआई के सदर परवेज इलाही से अडियाला जेल में वकील की मुलाकात। मुकदमात और कानूनी उम्र पर बातचीत। वकील ने कहा कि जेल में नानू सुलूक के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। बगावत केस में फवाद चौधरी पर 1 जून के लिए 27 सितंबर तक की तारीख मुकर। फवाद चौधरी के वकील के हवाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के केसेस के कैंसर के इलाज के लिए दरखास्त मंजूर। सीडीसी ने यास्मीन राशिद के कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इतिहाद बनाने की तैयारियां। एनपीएमओ और जेयूआई ने 7 मई कर चलने पर इत्तेफाक कर लिया। कराची में राशिद सोमलो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सुल्तान ने कहा कि सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। 15 साल लाड़काना, मुल्तान, शाहनवाज और कश्मीर और
और कराची में आवाम के साथ ज्यादती हुई है। राशिद महमूद सोनू ने कहा कि सिंध में एमकेएम और जीडीए अवामी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी बटेरों, जागीरदारों और पीरों में मीरों की जमात। और मजदूर में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका, जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला को चेहरे और पांव पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर है और एक जख्मी की हालत पेशाक है। असिस्टेंट कमिश्नर मजदूर का कहना है कि पिछले धमाके के हवाले से कुछ नहीं कह सकता, सीसीटीवी तहकीकात कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।